हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सीआईएसएफ कांस्टेबल के बारे में। तो उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो किस पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है और दो या तीन प्रकार की पोस्टों के एडमिट कार्ड आए हुए हैं, कब फार्म भरे गए थे और आप एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हो, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सती राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ कैश जॉब्स भी। दोस्तों 2017 में फार्म भरे गए थे कॉन्स्टेबल फायरमैन के, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के सीआईएसएफ में। ये दोनों पोस्ट सीआईएसएफ की है। इन दोनों के जो एडमिट कार्ड है साइट पर रिटर्न एग्जाम के लिए 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्जाम है वो 15/7/2018 को है और जो कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जाम है वो 29/7/2018 को है रिटर्न एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है ये, पूरे इंडिया में ही सेंटर है इसके। जो इसके एडमिट कार्ड साइट पर आएंगे वो 12 तारीख से आप साइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो साइट है cisfrect.in, इस साइट से आप जो अपना एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्जाम का रोल नंबर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी सी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपने यदि इस चीज का फॉर्म भर रखा है सीआईएसएफ में कॉन्स्टेबल के लिए, फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके। और ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।